नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। मैं अभी बापू सभागार में हूँ। बापू सभागार में LJP रामविलास आज LJP का 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बापू सभागार में कितना जनसैलाब है। ये विजुअल्स आप जो देख रहे हैं, कितना बड़ा बापू सभागार है। जितना आप अंदर में देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा भीड़ बापू सभागार में। आपको विजुअल्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, बापू सभागार के बाहर भी कितना भीड़ है। जो भीड़ है LJP ने इकट्ठा की है, इतना ज्यादा भीड़ जनसैलाब, जितना जनसैलाब आप अंदर में देख रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं जनसैलाब बाहर में है। बापू सभागार खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से। आप देख सकते हैं चिराग ने जो आज माहौल बनाया है 21वां स्थापना दिवस में। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज इस भीड़ को हम बता नहीं सकते शब्दों में। जितना भीड़ आप अंदर में देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा भीड़ बापू सभागार के बाहर है। लोगों का आज हुजूम बना हुआ है। LJP का आज 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें LJP रामविलास के गुट के तरफ से बापू सभागार में ये आयोजन रखा गया था, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम सभी लोग उपस्थित हैं। आप देखिए किस तरह से चिराग अब अपने सीट पर से उठकर जा रहे हैं। ये पुष्प अर्पित करेंगे अपने पिताश्री को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। उन्हीं वही संस्थापक हैं इस पार्टी के, LJP के। यहीं पर वह हमेशा ही अपना स्थापना दिवस मनाते हुए आए हैं। और चिराग भी बहुत बार यहां पे आ चुके हैं सभागार में, पर वह आज लीड कर रहे हैं LJP को। आप देख सकते हैं किस तरह से वह अपने स्वर्गीय पिताजी श्री रामविलास पासवान जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग किस तरह से वह फूल अर्पित कर रहे हैं, पर यहाँ पे भीड़ और हुजूम इतना है कि हम कोशिश ही कर सकते हैं दिखाने की, क्योंकि आज यहाँ पे बापू सभागार में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं चिराग हमारे स्क्रीन के सामने है, वह कुछ बोल रहे हैं। वह देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सभागार में हम किस तरह से। देखिए पुष्प अर्पित करते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चिराग पासवान। आज LJP का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा। देखिए किस तरह से उन्होंने अपने पिताजी को घुटनों पर हो गए हैं और अपने पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं अपने स्वर्गीय पिताजी का। देखिए किस तरह से वह अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर खड़े हो गए हैं। अब लोगों से वार्ता कर रहे हैं और दूसरे लोग को भी बता रहे हैं पुष्प अर्पित करने के लिए। आप देखिए चिराग आगे जा रहे हैं आगे, क्योंकि वहाँ पे वह एक जोत अर्पित करेंगे, वहाँ पे एक वह कैंडल जलाएंगे। कैंडल जलाने के साथ ही यह इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा, जिस तरह से 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में वह अब कैंडल उनके हाथ में है, वह अब दीप प्रज्वलित करके इस स्थापना दिवस की शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने चिराग कैंडल जलाने वाले हैं, कैंडल जला दिए हैं चिराग। आप देख लीजिए लोगों का हुजूम और प्यार किस तरह से बढ़ रहा है। लोग उनको देखने के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए, देख लीजिए कितने सारे लोग नीचे चिराग की एक झलक पाने के लिए अपने कैमरे में बेताब हैं। मीडिया के लोग भी देख लीजिए कितने उत्साहित हैं चिराग को कैमरे में कैद करने के लिए। चिराग ने दीप प्रज्वलित करके इस स्थापना दिवस की शुरुआत कर दी। आपको मैं और आगे इसका विजुअल्स दिखाऊंगा। पहले अब चलते हैं इनके प्रवक्ता चंदन जी से, आइए बात करते हैं उनसे, पूछते हैं किस तरह की रणनीति बनाया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं चंदन जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, हुजूम आ गया है। देखिए पटना की सड़कों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, वह देश के कोने कोने से आज पहुंचे हैं। आने का सिलसिला टूट नहीं रहा है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों से जो सहमत हैं, वह आज हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम अभी अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, जितना लोग यहाँ पे बापू सभागार में, इससे कहीं ज्यादा लोग बाहर में हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है?
देखिए पार्टी के विचारों से जो सहमत हैं लोग वह आ रहे हैं और आदरणीय चिराग पासवान जी को सुनने आ रहे हैं। चिराग पासवान जी का जो भाषण होगा वह ऐतिहासिक होगा, वह राज्य सरकार की चूरे हिला देगी वह भाषण। एलजीपी के पुराने ऑफिस में भी आज मनाया गया स्थापना दिवस, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत लोग मना रहे हैं, स्वागत है सबका, सबका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है आज जो स्थापना दिवस हुआ है ये आपकी पार्टी को बूस्ट का काम करेगा? देखिए हम लोग को पता था कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो असली हकदार और वारिस हैं वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। यह तो एक साजिश की गई हमारे बंगले को फ्रीज करने की, लेकिन 21 साल पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो बीज रोपा था बंगला छाप के रूप में, आज वह हेलीकॉप्टर बन चुका है। तो एक नई उड़ान उड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आपको यह मेरा खबर कैसा लगा? जैसे ही चिराग स्टेज पर कुछ बोलते हैं मैं जल्द लेकर आता हूं उनका वीडियो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। धन्यवाद।